नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के अमृतसर दौरे पर हैं। दौरे का मुख्य आकर्षण 8 राज्यों की बैठक में कई पारस्परिक मुद्दों पर चर्चा करना है, जिसमें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासक के साथ गृह मंत्री अमित शाह चर्चा कर रहे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। दोपहर 2 बजे के करीब बैठक शुरू हुई। केंद्रीय गृह मंत्री उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन बैठक के दौरान जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी तक जानकारी के मुताबिक जो घमासान देखने को मिला है, उस पर ग्राफिक्स के माध्यम से नजर डालते हैं। पंजाब के अमृतसर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक, गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक के दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की तरफ से संबोधित किया गया। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में एसवाइल का मुद्दा उठाया। हरियाणा के सीएम ने कहा, ट्रिपल पी योजना एक प्रगतिशील योजना है। ट्रिपल पी के जरिए सरकार की योजनाओं के लाभ में पारदर्शिता आई है। हरियाणा ने पीएम द्वारा चलाई आयुष्मान योजना का विस्तार किया है। चिरायु के जरिए अंत्योदय परिवारों तक आयुष्मान का विस्तार किया गया है। चिरायु योजना के तहत 56,89,986 कार्ड बनाए गए। पीएम जनारोग्य योजना प्लस चिरायु के 85 लाख से ज्यादा कार्ड जारी किए हैं। हरियाणा हमेशा न्याय संगत जल बंटवारे का समर्थक रहा है, सीएम ने कहा। बीबीएमबी के मुद्दों पर विचार हो, धूलकोट बीबीएमबी सबस्टेशन पर ध्यान दें। हथनी कुंड पर राष्ट्रीय परियोजना के रूप में बांध के प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए। एसवाइल के निर्माण पर पंजाब लगातार भ्रमित कर रहा है, सीएम ने कहा। नहर का निर्माण और पानी की उपलब्धता 2 अलग अलग मुद्दे, मनोहर लाल ने कहा। रावी सतलुज ब्यास का बिना चैनल वाला पानी पाकिस्तान में जाता है। पंजाब की तरह पानी का अपव्यय होकर तरफ से पाकिस्तान पानी जा रहा है। पिछले 10 सालों में सतलुज के पानी का औसतन 1.6 MF और रावी ब्यास के पानी का 0.58 MF पानी पाकिस्तान की तरफ गया। राष्ट्रीय अपव्यय के सदुपयोग के लिए एसवाइल का निर्माण जरूरी है, सीएम ने कहा। दिल्ली विश्वविद्यालय हरियाणा में अपना परिसर बना रही है। इसके अलावा राज्य में आईआईटी दिल्ली का कैंपस बन रहा है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हिस्सा तय होना चाहिए। हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के कॉलेज के साथ साथ पंजाब के रोपड़, मोहाली जिलों के कॉलेज भी पंजाब यूनिवर्सिटी से जोड़े जाने चाहिए। वह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिर दोहराया, किसी राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है, यह भगवंत मान ने कहा। इस मसले से राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, नहर बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, भगवंत मान ने कहा। चंडीगढ़ को पंजाब के गांव को उजाड़ कर बनाया गया है। पंजाब की राजधानी के तौर पर चंडीगढ़ का दर्जा बहाल हो, भगवंत मान ने कहा। लंबे समय से लटकी इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया। मनोहर लाल ने अपने कॉलेज की मान्यता देने का मुद्दा उठाया। भगवंत मान ने हरियाणा की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। भगवंत मान ने कहा, पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी विरासत है। हिमाचल के सीएम ने बीबीएमबी से मांगा 4,000 करोड़ का एरियर। सीएम सुक्खू बोले, चंडीगढ़ पर दिलाए जाए 7.19% हिस्सेदारी। हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड से तबाही हुई, सीएम सुक्खू ने कहा। 450 से ज्यादा लोगों की मौत, 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ, सुक्खू बोले। इस नुकसान से उभरने के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाए। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के साथ हिमाचल सीमा विवाद पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। तो ये तमाम अब तक की बड़ी बातें जिनमें एसवाइल मसला आया, पंजाब यूनिवर्सिटी का, चंडीगढ़ पर हिस्सेदारी का मामला सामने आया, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ तबाही से जो नुकसान, उस पर चर्चा हुई, इस पर आज चर्चा करेंगे मेरे साथ कुछ खास मेहमान। आज बड़ा मुद्दा में इन्हीं विषयों को लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ 4 खास मेहमान है। रामराज शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा से हैं, जसतेज सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी पंजाब से हैं, संदीप साख्यान कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता हिमाचल से हैं, प्रोफेसर गुरमीत सिंह राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं। आप चारों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल रामराज जी से करना चाहूंगा। रामराज जी, आज हरियाणा के सीएम की तरफ से कई महत्वपूर्ण बातों को रखा गया, जिनमें से एसवाइल नहर के निर्माण को लेकर सीएम ने कहा कि देखिए, ये नहर निर्माण का मसला और पानी देने का मसला दोनों अलग अलग हैं। जो एसवाइल का पानी पाकिस्तान में जो पानी चला जाता है,
जबकि अतिरिक्त पानी की बात कर रहे थे। एसवाइल नहर का निर्माण तो कर लिया जाना चाहिए, सीएम ने कहा, लेकिन पंजाब में जो पानी चला गया उसका क्या? सीधे तौर पर यह आरोप लगाया पंजाब सरकार पर कि आप हर साल जो पानी आपका अतिरिक्त होता है वो आप पाकिस्तान भेज देते हो, लेकिन हरियाणा को देने के लिए आपके पास पानी नहीं है। देखो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं प्रदेश की जनता की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हमारा मुद्दा पौड़ा बहुत अच्छे तरीके से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के समक्ष उठाया और अपना हिस्सा मांगा। एसवाईएल का मुद्दा है, चंडीगढ़ का मुद्दा है, हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों का मुद्दा है, पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारा हिस्सा देने का बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया तरीके से अपने बात रखी और मैं पंजाब वाले भाई को भी कहता हूँ, भाई आपका दिल बड़ा है, आप हमारे बड़े भाई हो तो किसी का ऐसा नहीं रखा करते, हमारा ऐसा हमारे को दे दो। लेकिन इन तमाम बातों पर चर्चा जब हो रही थी तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया कि हमारे पास किसी भी राज्य को देने के लिए पानी नहीं है। देखो उन्होंने उदारता दिखानी चाहिए, भाई ये पानी वेस्टेज पंजाब में चला जाता है रावी व्यास का, उससे अच्छा है ये हरियाणा को दे दो, हरियाणा में जरूरत है पानी की, भाई आप किसी का हिस्सा रखोगे तो फिर दिक्कत आएगी जी। वैसे एक तरफ आ गई, आप पार्टी वाले यहाँ आकर हरियाणा में गुणगान करते हैं केजरीवाल जी का, जो उनकी पार्टी का मुखिया है, भाई हरियाणा का लाल हमारा हिस्सा क्यों नहीं दिलवा देता? वहाँ पंजाब में जाके बोलते हैं हरियाणा को एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा, यहाँ आके फिर प्रचार करते हैं हरियाणा का लाल। तो मैं तो इनसे यही विनम्र आग्रह करूंगा, भाई किसी का ऐसा नहीं रखा करते, हमारा ऐसा रखो। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने बड़ा क्या नाम है बहुत अच्छे तरीके से ये क्या अपना केस प्रेजेंट किया। क्या उम्मीद नजर आती है आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने? हरियाणा के सीएम अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि एसवाईएल का मसला कानून व्यवस्था का मसला हो जाएगा, तो ऐसे में कुछ संभावना नजर आती है? क्योंकि केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है और इस पूरे प्रकरण को सुलझाने का अगर जिम्मा कहीं मैं कहूं तो अब केंद्र सरकार के पास चला जाता है। दोनों राज्यों के आपस में सहमति के आधार पर इसका कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से पंजाब के सीएम ने कह दिया कि कानून व्यवस्था का मसला, सीधे तौर पर कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पंजाब में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। कानून व्यवस्था तो उनकी पहले बिगड़ी हुई है, पहले जो पंजाब का युवा है और नशे की तरफ धकेल दिया गया है, ये तो एक बहाना ले रहे हैं, भाई किसी का एहसास क्यों रखते हो? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश पारित किया है, भाई इनका एहसान को दो, उस पर इंप्लीमेंट करें, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर मोहर लगाएं। और रही बात, ये तो एक बहाना है, ये देना ही नहीं चाह रहे, इनकी नीयत में खोट है। यहाँ का प्रचार करते हैं भाई हरियाणा का लाल, गलती से इनका खाता खुल गया, जनता इनको पहचान चुकी है, दिल्ली में पहचान चुकी है, पंजाब में इनको पहचान चुकी है, इनका आगे कहीं भी खाता खुलने वाला नहीं है, इनकी झूठ की दुकान थी वो चल चुकी है, अब आगे कहीं भी इनकी झूठ की दुकान चलने वाली नहीं है। अब रही बात, ऐसा है हरियाणा जब अलग हुआ था 60 और 40 का बंटवारा हुआ था, पंजाब तो सारा हड़प रहा है, हमारे को तो 40 भी नहीं मिल रहा, 40 पे बात हुई थी, 40 भी नहीं मिल रहा, उधर से पंजाब यूनिवर्सिटी है, अरे बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, आपका क्या जा रहा है? अच्छा है हमारे बच्चे प्रमोट होंगे, उससे भी मना कर रहे हैं, चंडीगढ़ में हमारा ऐसा है उससे भी मना कर रहे हैं। तो कहते हैं तो पंजाब के विरासत है, पंजाब यूनिवर्सिटी तो पंजाब के विरासत है। रामराज जी, पंजाब के सीएम ने कहा कि तुम्हारी विरासत है, इस विरासत में कैसे हिस्सेदारी दे दे हरियाणा को? नहीं, विरासत कहीं लिखी हुई है क्या उसमें? मैं भी एडवोकेट हूँ, विरासत लिखी हुई तो मेरे को भी दिखा दो भाई विरासत। पहले सारा है तो पंजाब था, ज्वाइंट पंजाब था, पाकिस्तान तक पंजाब था, फिर बंटवारा हो गया, भाई आधा पंजाब उधर पाकिस्तान में चला गया, फिर हिंदुस्तान में रह गया, फिर हमारा हरियाणा का पंजाब का बंटवारा हो गया, हिमाचल का हो गया, चंडीगढ़ का हो गया। तो हमारा हिस्सा हमारे को देना चाहिए, जब 60 और 40 का फैसला हुआ था तो इसको देना चाहिए, किसी का हिस्सा नहीं रखा करते। जसदीप सिंह जी से बात कर लेते हैं, आपने तमाम सवाल उठाए रामराज जी और ऐसी बातें हरियाणा के सीएम भी रख रहे थे और उस प्रकार की बातों का जवाब नजर आया पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से। एसवाईएल के पानी को लेकर साफ तौर पर कहा देने के लिए हमारे पास पानी नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी के मसले को विरासत बता दिया उन्होंने कि पंजाब के विरासत है, चंडीगढ़ के हिस्सेदारी को लेकर सवाल आता है तब कह दिया जाता है कि चंडीगढ़ को तो पंजाब को दिया जाना चाहिए, लेकिन जिस समझौते को आधार बनाकर हरियाणा पंजाब अलग हुए थे उन तमाम समझौतों को पंजाब की सरकार अब तक के जितनी सरकारें रही दरकिनार करती आई हैं और आज एक बार फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इन तमाम चीजों पर हम एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। जसदीप सिंह जी क्या कहेंगे? मैं अपने भाई को सुन रहा था शर्मा जी को जी। सबसे बड़ी बात यह है आप देखिए कि एसवाईएल का मुद्दा हमेशा शमशेर सिंह जी इलेक्शन के पास ही क्यों खड़ा करते हैं ये लोग, ये जो सी रवायती
पार्टियां हैं ये लोगों के जो से इमोशंस के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करती हैं, कभी बातों को चेंज कर देते हैं, पाकिस्तान में पानी जा रहा है, ये जा रहा है। भाई साहब, इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके तहत हमें पाकिस्तान को पानी देना है। आप ये मत सोचिए वो पंजाब पानी दे रहा है, वो हमारा देश पानी दे रहा है। और अगर वहां पे पानी नहीं जाता तो उसके इंटरनेशनल कौमांतरी रेमिफिकेशंस सैंक्शंस के रूप में आपको शायद नहीं पता कि क्या होंगे, पर आपको तो करनी है सियासत। अब इलेक्शन आ गई है तो एसवाईएल का मुद्दा छेड़ देंगे आप, लोगों की भावनाओं के साथ खेलेंगे। हरियाणा हमारा छोटा भाई है और हम ठोक के कहते हैं, पर जहां पर सूबे के मुद्दों का सवाल आता है, हमें अपने सूबे के जो उनसे हक हैं, जो उनसे हकूक हैं, उसके लिए हम लड़ेंगे। इसके अंदर आज मान साहब ने एक ही बात कही है, उन्होंने कहा कि आप पानी का स्तर देख लीजिए कि वो नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा, और वहां पर वो मापदंड तो रखिए, उसकी बात कोई कर नहीं रहा। हरियाणा का लाल, ये लाल, मतलब अरविंद केजरीवाल जी से तो इनकी ऐसी ज्यादा दुश्मनी है, मतलब बस उनको डर है क्योंकि परिवारवाद के वो खिलाफ है, वो खिलाफ है करप्शन के, और ये सब कुछ जो उनसे है वो भाजपा में खुल के सामने आता है। तो अब ये एक नया जुमला स्टार्ट कर देते हैं कि उन्होंने ये कहा। अब आ जाइए आप पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे पे। भाई साहब शर्मा जी, ये तो बताइए ना कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी बनी थी उसके अंदर 20% हिस्सा पहले पंजाब का था, 20% हरियाणा का था और 20% हिमाचल का था। आप ये क्यों नहीं बताते कि भाई हरियाणा ने उस वक्त 1960-70 के दशक में लेटर लिख के बकायदा अपना हिस्सा छोड़ दिया। अब जिस बच्चे को पंजाब ने पाल पोस के बड़ा किया है, आज कौमांतरी उसे एक रिस्पेक्ट दिलवाई है, आज उसका एक एक रेपुटेशन बन गई है। अब आप कहते हो हां जी अब तो बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो इंटरनेशनल स्तर पे आ गया तो आप भी चाहते हैं। भाई साहब आप एक बात बताइए, 29 मई 2023 को आपकी सरकार ने वहां पे कॉलेजेस में हरियाणा को क्या लेटर लिखी थी? बाद में आपने चाहे, जब वो पहले मैं बताता हूं, उस लेटर में आपने क्या लिखा था कि भाई आपके पास स्टेट के पास पैसे नहीं है, फंड्स आप खुद जनरेट कीजिए, ये तो हरियाणा सरकार का हाल है। पर बाद में जब हर तरफ से हाकर आवाज उठनी शुरू हुई, आपने वो लेटर विड्रॉ कर ली। तो ये ऐसी गेम्स मत खेलिए। ये नॉर्दर्न काउंसिल की जो सी मीटिंग है ये बहुत अहम होती है, चाहे ये एडवाइजरी है, पर अब आप इसके टाइमिंग पे भी आ जाइए। पहली मीटिंग आप करते हैं 2015 में, फिर दूसरी करते हैं 2017 में, फिर 2019 में, दो दो साल के बाद, और जब 2019 में मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं, आप 2022 में करते हैं 3 साल का गैप। अब इलेक्शन हरियाणा और राजस्थान के सिर पे आ गई है तो अब 1 साल के गैप में आपने कर दी। हम तो चाहते हैं सेंट्रल स्टेट इलेक्शन के कारण आपको करनी चाहिए मीटिंग, पर उसके अंदर जो सी आपकी मंशा है कि इसका सियासी लाहा, सियासी फायदा लेने की, कम से कम उसके बारे में सोच लीजिए, सिंसियरिटी से आइए। आज क्या किया वहां पे खट्टर साहब ने? खट्टर साहब ने मुझे बताइए हराने के मुद्दे उन्होंने मोदी जी की प्रशंसा की, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये स्कीम चलाई है, वो स्कीम चलाई है। क्या आप किस सेंसी से आए हैं? ठीक है, नतीजे से आप, मैं एक सवाल जसदेव जी आपसे पूछना चाहता हूँ। जसदेव जी ठीक है, रामराज जी एक मिनट, जसदेव जी मैं एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने उस लेटर का हवाला दिया जो हरियाणा सरकार की तरफ से पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर लिखा गया, लेकिन हम हिस्सेदारी छोड़ने को लेकर लिखा ना, हिस्सेदारी छोड़ रहे हम, हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर ऐसी बात है, हम उसी चीज को आधार मान रहे हैं, तो फिर पंजाब में एसवाईएल को लेकर जो अलग होने के बाद जो समझौता हुआ था, हम उसको क्यों नहीं मान रहे? आप कह रहे हैं कि इलेक्शन आ गया, सुनिए सर एक मिनट आपका ही कहना है, सुनिए आपका ही कहना है कि भाई इलेक्शन के दौरान ऐसा होता है, जब हरियाणा में दिल्ली के सीएम जाते तो एक ही बात कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना, आपको पता होगा कि मेरे पास एसवाईएल का हल है, मैं प्रधानमंत्री मोदी को इसका हल बता सकता हूं। आज जब भगवंत मान से उस हल के बारे में पूछा गया तो कहा पानी नहीं देंगे, हरियाणा के सीएम ने एक बात कही कि आप एसवाईएल नहर तो बना दीजिए, पानी की बात छोड़िए, उसके बाद पाकिस्तान में कितना पानी जाता नहीं जाता है, सीधे तौर पर कहना था उनका कि एसवाईएल नहर का निर्माण तो कीजिए, अतिरिक्त पानी होगा तो दे देना, यह भी तो संदेश जाता ना कहने का। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान चला गया पानी, ठीक है, एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर जो बात कही गई उससे पंजाब सरकार क्यों इनकार करती है? वह नहर तो बना दे तो अच्छा, तो मतलब पानी देने को है नहीं,
नहीं, और वहां जब अतिरिक्त पानी की बात हो रही है, अतिरिक्त पानी की बात हो रही है, देखिए आप सुनिए, सुनिए आप मेरी बात तो सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, पानी अतिरिक्त हो तब तो दिया जा सकता है ना, कई बार अतिरिक्त पानी होता भी है सर, कई बार कौन सा, इस बारी जब फ्लड आए, जब इस वक्त कुदरती कहर आई, हाँ, तब हरियाणा ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, हमने अपने खर्चे पे 6 डैम बनाने के लिए कहा घग्गर पे, बताओ इन्होंने दी परमिशन नहीं, हमने अपने खर्चे पे, पंजाब ने अपने खर्चे पे कहा कि घग्गर के ऊपर 6 डैम बनाने का सैंक्शन इनसे मांगा, इन्होंने बताओ क्या इन्होंने हामी भरी उसके ऊपर, उस वक्त तो ये खड़े हो गए, जब जहां पर जब यहां पे कुदरती आफता आई, बादल फटा, बेचारा हिमाचल प्रदेश में कितने लोग मारे गए, वहां का पानी सारा, देखिए आप एक बात समझिए, मेरी बात समझिए, घग्गर का मुंह 300 से 400 फुट है हिमाचल में, और जब वो यहां पर आता है 500 फुट है, जब वो पंजाब में एंटर करता है तब उसका 250 फुट मुंह रह जाता है, उसके कारण एक्स्ट्रा पानी जो सा आया वो पंजाब में आया, और इन्होंने अपने बंद कर दिए गेट कि भी हाँ वहां पे लोग मर जाए पंजाब में, अब अगर ये रवैया रहेगा तो पंजाब में जो हालात थे, पंजाब में जो हालात थे जसदेव सिंह जी, जो हालात पंजाब में थे क्या वैसे हालात हरियाणा में नहीं थे, अगर गेट ही बंद करने थे तो पंजाब की स्थिति जैसी हरियाणा की स्थिति थी, हरियाणा के भी 12 जिले, हरियाणा के भी 12 जिले, नहीं जसदेव जी हरियाणा के भी 12 जिले इस बाढ़ की चपेट में थे सर, आप वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, हाँ। हरियाणा के बाद वो राजस्थान में निकलती है, हाँ। तो इन्होंने क्यों नहीं खोलना राजस्थान में जाने देते, वहां पे वो खत्म हो जाता, इन्होंने पर क्या करना था, इन्होंने सियासी लाहा लेना था, सियासी लाहा छोड़ो, असल में क्या है, इनकी सरकार में कोई भी ऐसा कोई मंत्री या कोई एमएलए हो जो इस लेवल पे सोच सके तब तो बताओ ना, अगर अगर वहां से पानी नहीं, सिर्फ ये चीज आपसे जसदेव जी जानना चाहता था कि एसवाईएल नहर को लेकर पंजाब के सीएम ने सीधे तौर पे इनकार कर दिया, तो सीधा सा मतलब ये है ना उनका कहने का मतलब कि हम नहीं बनाएंगे भाई नहर, जो जो दोनों राज्यों के बीच समझौता है, समझौते को नहीं मानते हम। सर एक बात बताओ, सबसे पहले नहर से पहले अगर उन्होंने कहा कि आज की डेट में पिछले 30 साल में जैसे पानी का जो स्तर था आज बहुत नीचे चले गया, नहीं वो तो हवाला देते हैं कि कानून में चले गया कि पानी का, तो पानी का हवाला तो आप पहले से देते हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि कानून व्यवस्था का मसला पंजाब में, तो क्या हो जाएगा कानून व्यवस्था का पंजाब में? बिल्कुल, देखिए ये जो उनसे मुद्दे है ना, ये पार्टियां उठा तो लेती है सियासत के लिए, पर ये लोगों के दिलों से उनकी भावनाओं से जुड़े हैं। ये जानना दूसरी बात, सियासत करता कौन है? एक मिनट शमशेर जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, एक मिनट प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आज अगर पानी का स्तर पंजाब में नीचे गया क्यों गया? 1970-80 में भुखमरी फैल गई थी पूरे देश के अंदर, और तब यहां वहां पे पंजाब प्रोक्योरमेंट लीवाई ऑर्डर 1983 में लाया गया, जिसके कारण मंडीकरण हुआ, और पहले डाइवर्सिफिकेशन थी, जितनी भी यहां पे कितनी ही कितने टाइप के जो से क्रॉप्स हैं वो उगते थे, और इन्होंने कर दिया पूरे पंजाब को दो के ऊपर, एक पैडी और एक वीट, बस उसके ऊपर कर दिया, और उसके ऊपर पानी की खपत होते होते एमएसपी जब लगा तो तब जब डिपेंडेंट हो गए तब इन्होंने 4 कानून ला दिए किसानों के खिलाफ कि हाँ जी ये एमएसपी हटाने का इनका वो था इनका प्लान, पर वो तो हरियाणा पंजाब और वेस्टर्न यूपी के किसान वहां पे खड़े हो गए। जस्टिस जी आपसे बात जानना चाहता हूं, आप उसे डाइवर्ट करना चाहते हैं मसले को, पानी की किल्लत देश में कौन से हिस्से में नहीं है जरा आप मुझे बता दीजिए, कौन सी स्टेट ऐसी जो पानी से ऊपर सुपर है, जिसके पास पानी की कोई कमी नहीं है, कोई स्टेट ऐसा है? आप ये कह रहे हैं, आप शमशेर जी ये कह रहे हैं कि पंजाब में पानी की कमी होने के बावजूद चाहे जितना मर्जी कमी हो, बात हुई आज जिस मामले पर बात हुई, नहर का निर्माण कर दीजिए। देखिए मैं आपको एक बात का स्टैंड क्लियर कर देता हूं, सूबे के मुद्दे जो से होते हैं ना वो इतने ऐसे इनकी पेचों के अंदर इनके चालों के अंदर फंसने की जरूरत नहीं है सूबे के मुद्दे में। पहली बात मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूं, पिछले 4 साल में एसवाईएल का मुद्दा इन्होंने उठाया नहीं, इलेक्शन पास में आ गए अब इनको एसवाईएल याद आ गया। डिबेट कर नहीं मैं पिछले 4 साल और तीसरी बात, पानी ऐसा मुद्दा है पंजाब में जो ये लोगों के दिलों से उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। चलिए तो हरियाणा के लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है, देखिए ये पंजाब के लोगों की भावना से जुड़ा है तो हरियाणा के लोगों की भावना से भी जुड़ा है। जसदीप जी आपसे इनकार, आप ये तो कहते हैं छोटा भाई, लेकिन छोटे भाई का अधिकार जो है ना उसको देने से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पंजाब के इनकार करती रही आज से नहीं पहले से होता रहा, और उसी बात पर आबादी पार्टी खड़ी है, उसी बात पर आबादी पार्टी आज खड़ी है।
देखिए उसी बात पर आम आदमी पार्टी भी अड़ी है। इसका रास्ता निकालने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई पहल नजर आती नहीं। आज की मैं बैठक की बात करूं तो मुझे कोई रास्ता दिखा नहीं। सर, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा मैं संदीप साध्या, ठीक है? फर्ज नहीं बनता नहीं, नहीं, आप आज आज बात करने का क्या से सीधे तौर पर यह कहना उचित लगता है आपको कि पानी नहीं देंगे हम हमारे पास हमारे सवाल ही नहीं पैदा होता। बात तो नहीं है, फिर हल निकालने के अपने मुद्दे हल निकालने की बात नहीं हुई ना। सीधे तौर पर आप भी वही काम कर रहे हैं जो पहले की पॉलिटिकल पार्टी करती है पंजाब में, वही आम आदमी पार्टी कर रही है। फिर फर्क क्या आम आदमी पार्टी में बाकी पार्टीज में? और केजरीवाल पहले बताइए, आप मुझे एक बात बता दीजिए शमशेर जी, पिछले चार साल में आपने एसवाईएल पे कितनी डिबेट की? मैं 20 डिबेट कर चुका हूं, मैं आपको गिना दूंगा। सर पिछले चार साल में मैं बता दूंगा, नहीं मैं कह रहा मैं अपने नहीं, आप हाँ। प्लीज उसको अपने ऊपर पर्सनली मत लीजिए। नहीं तो चर्चा सुनिए, चर्चा एसवाईएल की, एसवाईएल की चर्चा जब मुद्दे पे करेंगे, ठीक है? एक मिनट, मेरी बात सुनिए, आप डिबेट उसी मुद्दे पे करेंगे जब कोई सियासत उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टी उस इश्यू को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, मैं सब पे बात करता हूँ। मैं उठाया नहीं तो आप क्यों डिबेट करते हैं? चलिए चर्चा नहीं, चर्चा होती रही है, चर्चा एसवाईएल पर होती रही है। पंजाब के प्रवक्ताओं को भी जोड़ा है मैंने, हरियाणा को भी जोड़ा है और दिल्ली के प्रवक्ताओं को भी जोड़ा है। मैं आपके पास लौटूंगा, मेरे साथ संदीप साख्यान है। संदीप जी आपसे जानना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश की तरफ से आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा गया जिसमें सबसे ज्यादा बात रखी गई कि बीबीएमबी पर जो हमारा अधिकार है उसमें 4000 करोड़ रुपए की बात वो कर रहे थे, हिमाचल के सीएम बात कर रहे थे कि भी हमें पैसा मिलना चाहिए। दूसरा उनकी तरफ से कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, 12000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है। आज के इस मीटिंग में सीएम सुक्खू ने जो बातें रखी, चंडीगढ़ पर अधिकार की बात भी अभी करते नजर आए, इन तमाम मसलों को लेकर क्या कहना आपका संदीप जी? एरियर की बात भी कर रहे थे 4000 करोड़ की जी। ने जो बातें करी है वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है। हिमाचल प्रदेश का जो भौगोलिक परिस्थिति है और हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक परिस्थिति है वो दोनों राज्यों से डिफरेंट है और यहाँ का जो कल्चरल संस्कृति है वो भी दोनों राज्यों से अलग है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो, क्योंकि हमारा जितनी भी हमारा जितना भी आर्थिकी है वो सारी के सारी जो है हमारे हॉर्टिकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि पंजाब हरियाणा की जो आर्थिकी है वो आपका एग्रीकल्चर और आपकी इंडस्ट्रीज के ऊपर करती है। हमारा जो जितना भी हमारा है सारा हमारे पास हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं और हाइडल प्रोजेक्ट्स के आधार पे ही हमारी आर्थिकी तय होती है। आज देख लीजिए 1960 के अंदर जब भाखड़ा बांध यहाँ पे बना, 1942 के अंदर इसकी जो रूपरेखा थी वो मतलब बिफोर द इंडिपेंडेंस हैज बीन स्टार्टेड, उसके बाद जब ये 1960 में बना उससे लेके आज तक जो भी इश्यूज थे बीबीएमबी को लेके, ये पंजाब सरकार और हमारा जो भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उनका एक साझा उपक्रम था और उसको लेके हिमाचल की जो वहां से जो रॉयल्टी आनी थी वो आज तक नहीं हुई है। माननीय वीरभद्र सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो इसको लेके, इस मसले को लेके उच्चतम न्यायालय में भी गए और वहां से भी इसकी डायरेक्शन आई है। लेकिन आज क्या कारण है कि हमारे को जो आज उसका बढ़ता 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 4000 करोड़ रुपया जो है आज लेने को बीबीएमबी से हो गया है और हमारा जितना भी और भी बहुत से हाइडल प्रोजेक्ट लगे हैं चंडीगढ़ के ऊपर जो हमारी 11.7% की जो हिस्से 7% जो है हिस्सेदारी हमारी जो होती है वो भी हमारी अभी लेने को है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि जो हमारी रॉयल्टी है वो 12% से बढ़ा के आज के संदर्भ में उसको 30% कर दीजिए। यही ऐसा ही मसला हमारा एक शानन प्रोजेक्ट है, शानन प्रोजेक्ट के साथ जो हमारी लीज हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बार बार आगाह किया कि उसका जो उसको जो है उसको हैंडओवर कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार को सो दैट वहां से रेवेन्यू आए। लेकिन आज जो केंद्र के अंदर जो सरकार बैठी है और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं तो बड़े खेद की बात है और बड़े अफसोस की बात है। हिमाचल के अंदर त्रासदी होती है उसका इंपैक्ट जो है पंजाब के अंदर पड़ता है, उसका इंपैक्ट जो है हरियाणा राजस्थान तक उसका इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं कि एक तो आज हिमाचल के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस के 93,000 करोड़ रुपया जो है यहाँ का बजटरी डेफिसिट चल रहा है, घाटे की वित्तीय यहाँ पे चल रही है और 441 लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है नेचुरल कैलमिटी के उसके जब आपदा यहाँ पे आई तो इतने लोगों को जान गंवानी पड़ी। मैं आपको बताता हूं आज हिमाचल प्रदेश की जो परिस्थिति है, मंडी
कुल्लू मनाली जो हमारे टूरिज्म हब हैं वो पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि आज हमारे यहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी यहां से हैं, आज भी इन्होंने जो हमारे को एडवांस में जो राशि मिलती थी आपदा की उसकी एडवांस किस्त जारी की है, लेकिन कोई भी स्पेशल पैकेज जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्होंने नहीं दिया है। ये बहुत ही शर्म की बात है, बड़ी खेद की बात है, क्योंकि क्योंकि जैसे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर नॉमिनी की सरकार बनी, हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो था 76,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, और जबकि यहाँ पे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी G20 के अंदर जाते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वहां पे जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का रात का जो डिनर होता है वहां पे भी यही विनती करते हैं। आज भी जो हमारी रीजनल काउंसिल की जो मीटिंग हुई, बेशक वो एडवाइजरी है, आज भी उन्होंने हिमाचल के मुद्दों को उठाया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है, और उसके अलावा उन्होंने जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो सीमा विवाद है उसके ऊपर भी फोकस किया है जी। उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा है तमाम मसलों को हिमाचल सरकार की तरफ से उठाया गया है, पंजाब सरकार ने बातें रखी है, आपको चाहिए हरियाणा सरकार की तरफ से बातें रखी गई है, सबने अपने अपने अधिकार को लेकर चर्चा की है। मैं इसको लेकर अब ठीक है, मैं गुरमीत सिंह जी से इस पूरे प्रकरण को लेकर समझना चाहूंगा। तीनों राज्यों की तरफ से आज अपनी अपनी बातें रखी गई हैं। गुरमीत सिंह जी, हरियाणा हर बार एसवाईएल की बात करता है, पंजाब इनकार कर देता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात होती है उसको भी इनकार कर दिया जाता है, और हिमाचल सरकार की तरफ से जो एरियर की बात हो रही है BBMB पर और जो सीमा विवाद है या चंडीगढ़ पर हिस्सेदारी, हर पॉलिटिकल पार्टी चंडीगढ़ पर आकर टिक जाती है जहां जहां भी इनकी सरकारें होती हैं या जो भी राजनीतिक दल होते हैं। ये आज का जो पूरा प्रकरण है, मीटिंग है, इसको किस नजर से आप देखते हैं गुरमीत सिंह जी? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक ही देश है, तीनों राज्य पड़ोसी राज्य हैं, किसी दूसरे देश का हिस्सा नहीं है, और राजनीति के कारण जो भी राजनीतिक दल हैं, जैसे अभी आप भी कह रहे थे कि हमें भी बहुत उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी शायद अकाली दल कांग्रेस से अलग कुछ चीजों में स्टैंड लेगी, खासतौर पर शिक्षा के मामले में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी वही लाइन टो करी है। देखिए, अगर मैं, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ, तो जाहिर सी बात है कुछ तथ्य शायद मेरी जानकारी में भी है। पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की विरासत है, इसमें कोई दो राय नहीं, ना उसका वो यहाँ से हिल सकती, ना कहीं जा सकती, ना उसका कोई नाम बदल सकता। ना सिर्फ पाकिस्तान के आज विभाजन जब हुआ उस पीड़ा को उसने झेला, उसके बाद जब पूरे राज्यों में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, हिमाचल में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, पंजाब में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, हरियाणा में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तब पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस पूरे रीजन में एक मशाल बनने का काम किया, सब शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन थी। आज उसकी जो स्थिति है, क्योंकि उतना समय नहीं है कि मैं सारे तथ्य बताऊं, लेकिन 2008 में मनमोहन सिंह, तब BJP की सरकार नहीं थी, जो पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ा चुके हैं, वो इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे। बादल साहब ने उसके लिए NOC भी दे दी थी, लेकिन शाम के वक्त अगले दिन अनाउंसमेंट होनी थी, मैं यहीं था, तब मिठाई बट गई थी और उन्होंने NOC विड्रॉ कर ली, क्योंकि उन पर दबाव पड़ा कि भाई ये बात हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। आज भी 90% जो अनुदान है वो केंद्र से आता है, हर शिक्षक की सैलरी पंजाब यूनिवर्सिटी की केंद्र दे रहा है। तो पंजाब की विरासत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पंजाब की अपनी सीमाएं हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी में उस समय जब मनमोहन सिंह जी बनाना चाह रहे थे, उस समय उन्होंने ये लेटर बकायदा यहाँ आया था कि जी जो ग्रांट आप यहाँ दे रहे हैं आप अपने राज्य में दे सकते हैं, वो बेहतर होगा। दूसरी बात, अभी हाल में ही चंडीगढ़ में केंद्रीय सर्विस रूल लागू किए गए, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें पैदा हुई हैं। चंडीगढ़ के कर्मचारी ये चाहते थे कि हम केंद्र सरकार के जो रूल हैं उनको फॉलो करें। तो पंजाब यूनिवर्सिटी एक बहुत विचित्र स्थिति में रहती है, क्योंकि रूल पंजाब के लगते हैं, अनुदान वहां से आता है, एम्बिगुअस स्टेटस है, चांसलर हमारे पंजाब के गवर्नर नहीं है, पंजाब की यूनिवर्सिटीज के तो चांसलर या किसी भी राज्य की यूनिवर्सिटी के चांसलर गवर्नर होते हैं, हमारे नहीं है, तो एक हमारा अलग स्टेटस है जी। अगर राष्ट्रीय स्तर पर, अगर ये विश्वविद्यालय है ना, कोई गाँव का वो नहीं है, विश्वविद्यालय का मतलब ये है, मुझे लगता है कि अगर कोई राज्य जुड़ना चाहता है, जो पहले हिस्सा था भी, अगर उसने एक गलती की, मान लीजिए अपने कॉलेज विड्रॉ किए, उसकी एक पृष्ठभूमि है, मैंने आपको बताया, मैं लंबा नहीं जाना चाहता इसमें, क्योंकि और भी मुद्दे हैं जी, उससे पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये कितनी बड़ी बात है कि एक राज्य अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ के पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ना चाह रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो मान रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी बेटर है।
है ना, अब आप उसके पीछे राजनीति कर देखते रहे, उसका कोई अर्थ नहीं है खास कि अगर दो सीट वहां चली जाए। छोटा सा रिएक्शन मैं पंजाब एसवाईएल पर लेना चाहूंगा आपका। हाँ, एसवाईएल पे मैं आ रहा हूँ। दूसरा एसवाईएल और चंडीगढ़ तीनों की बात कर ले। देखिए मैं भी पत्रकारिता में 15 साल रहा हूँ, बहुत बार हमने पंजाब के लोगों से भी बात की, हरियाणा के लोगों की बात। आप किसी से भी ऑफ रिकॉर्ड पूछ लीजिए, नेता खुद ये कहते हैं, अधिकारी खुद ये कहते हैं कि चंडीगढ़ का स्टेटस अंदर से कोई नहीं बदलना चाहता। चंडीगढ़ को अफोर्ड करना ही बड़ा मुश्किल है, जिस तरह के आर्थिक चंडीगढ़ का खर्चा है, जो सारी चीजें ये लोग सब लोग ये चाहते। तो जब राजनीति चलती है, अब आते हैं एसवाईएल पे। एसवाईएल पे जो हमारे आम आदमी पार्टी के भाई कह रहे थे, सवाल ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं दो तीन अवसरों पर ये बात कही है, या तो हम ये तय, और इसमें इनकी नहीं है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने विधानसभा में पास कर दिया था नया कि हम सारे जल समझौते निरस्त करते हैं, अकाली दल ने भी यही काम किया और अब ये लोग भी ऐसे ही काम करते हैं। जरा सी कोई बात चलती है तो प्रस्ताव आ जाते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे पे भी प्रस्ताव आ गया पंजाब विधानसभा में जी। वैसे पंजाब के मंत्री और मुख्यमंत्री सेनेट के मेंबर हैं लेकिन आते नहीं है, लेकिन वहां पर जब जरा से बात चलती है तो प्रस्ताव आ जाता है। कहने का भाव ये है कि एसवाईएल के मुद्दे पर तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, अगर हमने कोर्ट के फैसले को मानना या नहीं मानना ये तय करने वाली बात है। जहां तक मीटिंग्स की बात है, देखिए दो मीटिंग पहले भी हो चुकी है व्यक्तिगत स्तर पर, खट्टर साहब की और भगवंत मान की। ना सिर्फ दो मीटिंग हो गई, एक दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय में भी हो गई। पंजाब का अपना स्टैंड है, उसमें कोई चेंज नहीं है। हरियाणा का अपना स्टैंड है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सवाल है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस का, क्योंकि ये बात जैसे आपने बार बार कही कि लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ दी जाती है, क्यों जोड़ दी जाती है, उसकी एक पृष्ठभूमि है, क्योंकि एसवाईएल के समय भी दो इंजीनियरों की हत्या हुई और उसको ये जोड़ा जाता है कि वो आतंकवाद की वहां पर शुरुआत हुई। पर अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं ये तो देखना पड़ेगा कि जो ये सारे तथ्य बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के हमारे साथी, वो सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट को बताए गए थे, ऐसा थोड़ी नहीं बताया गया। ये जो सारा जल स्तर नीचे गया या और जो तमाम बातें हुई, ये सब बहस में रखे गए थे। तो या तो हम ये तय कर लें कि सारा जो ज्ञान है हमें, तो ऐसी कोई गलतफहमी है नहीं, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि अगर अदालत में बहस हुई, वहां सारे पक्ष रखे गए, फिर उसका कहीं तो कोई रास्ता, कहीं तो कोई निकलना आप कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकलना चाहिए, और इस रास्ते का जो निकालने का जो तरीका है वो कैसे होगा, इस पर निगाहें बनी रहेगी। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, इस बैठक के बाद बयान भी सामने आएंगे नेताओं के, उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, इस पर नज़र सबकी रहेगी। शुक्रिया रामराज जी, जसतेज जी, संदीप जी, गुरमीत सिंह जी मुझसे जुड़ने के लिए। तो आज बड़ा मुद्दा में चर्चा इसी मसले पर कर रहे थे। आज एक महत्वपूर्ण बैठक पंजाब के अमृतसर में हो रही है और इस बैठक के दौरान कई मामलों को रखा गया, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री हो, हरियाणा के, हिमाचल के, तमाम राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं, वो अपने अपनी समस्याएं इस पूरे मामले पर रख रहे हैं। लेकिन असली मसला ये है कि इन चीज़ों को उठाने के बाद सुलझाने की तरफ किस प्रकार का गृह मंत्रालय की तरफ से, केंद्र की तरफ से कदम उठाया जाएगा, इस पर नजरें सबकी बनी रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।